नमस्कार। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बस पलटने से ये सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे की वजह कोहरा बना है। बता दें कि इस सड़क हादसे में बस पलट गई जिसमें कई लोग घायल हो गए और एक शख्स के मौत होने की भी खबर सामने आई है। तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि दर्जनों पुलिस मौके पर पहुंची, सभी थाने की फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। और इसी की ज्यादा जानकारी के लिए हम हमारे संवाददाता जो आगरा से हैं राजा गुप्ता के साथ जुड़ते हैं। राजा, राजा क्या अपडेट है आपके पास जो अभी सड़क हादसा आगरा में हुआ है? बिल्कुल, आपको बता दूं इस तरीके से आगरा के नकली यमुना एक्सप्रेस पर एक बड़ा हादसा होते हुए दिखाई दिया। इस तरीके से जो काफी लोग वहां पर बस में थे और इस मौके पर एक लोगों की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोहरे का जो कहर है उसके वजह से। राजा, जैसा आपने बताया कि इससे पहले भी सड़क हादसे होते जा रहे, लगातार हम एक्सप्रेस न्यूज भारत की तरफ से भी दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से सड़क हादसे हो रहे हैं। तो आज जो सड़क हादसा हुआ वो सुबह सुबह के वक्त पे हुआ, किस वक्त पे हुआ, क्या आप पे अपडेट है और पुलिस ने प्रशासन ने किस तरीके से इस हादसे की खबर के बाद आगे की कार्यवाही की है? बिल्कुल, इस तरीके से वहां पर हादसा होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। उसके बाद पुलिस ने पूरी जानकारी लेने के बाद जो व्यक्ति जो दर्जन के हिसाब से घायल हुए उसको उन लोगों को हॉस्पिटल में रेफर करा दिया गया। जो एक लोगों की मौके पर मौत होने के बाद उस पुलिस जायजे में ले रही है और सारा पूरा मामला पुलिस के हाथ में रहा और कहीं ना कहीं कार्रवाई भी करते नजर आ रही है। देखने वाले उद्योगी इस तरीके से कोहरा के चलते ही लोग बहुत ही डरते नजर आ रहे हैं और लोग जो सड़क पर जो सन्नाटा है वो साफ देखने को मिल रहा है। राजा, जैसा आपने बताया कि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है, प्रशासन ने इस ओर मतलब कोहरा तो हमेशा का ये है कि हर बार सर्दी आएगी हर बार कोहरा आएगा, सर्दियों में हमेशा हम देखते हैं कि विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, सड़क हादसे होते हैं, पर कहीं ना कहीं जो सड़क सुरक्षा है उसे लेकर भी इंतजाम किए जाते हैं कि जो इस तरीके के हादसे पर रोक लगाई जा सके। और यमुना एक्सप्रेस वे जो लखनऊ का बता रहे हैं आप, जहां पे सड़क हादसा हुआ है आगरा के बीच में जो पड़ता है, तो ये लगातार इस तरीके की क्यों घटनाएं वहां पे सामने आती रहती है? आए दिन हम देख रहे हैं कि लगातार सड़क जो हादसे हो रहे हैं उनमें इजाफा हो रहा है, तो क्या प्रशासन ने कोई और तकनीक अपनाई है इस कड़ी में? देखो, बिल्कुल आपको बता दूं इस तरीके से जो है हादसा है आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की हत्या भी होती है, काफी लोग वहां पर खत्म हुए हैं, काफी लोग टकरा कर हुए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन तो नाकाम नजर आ रहा है। प्रशासन बिल्कुल नहीं इस बात को संज्ञान में ले रहा था। कहीं ना कहीं जब मौका पर हादसे हो जाते हैं तो पुलिस प्रशासन वहां पहुंच जाती है, उनको हौसला करती है, पर कहीं ना कहीं जो उस तरीके से वो इंतजाम किए जाते हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल, इस तरीके से काफी एक्सीडेंट होते नजर आ रहे हैं, काफी एक्सीडेंट हुए हैं, अब भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इस तरीके से, तो जैसा आम जनता को लेकर आप बता रहे हैं कि सड़क हादसे हो रहे, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि प्रशासन को इस तरीके में कोई कार्यवाही करनी चाहिए कि जब आप सड़क पर निकले तो किसी लाइट या फोकस लाइट जो होती है उनका इस्तेमाल किया जाए जिससे आपको पता चले कि आगे कोई गाड़ी चल रही है, क्या इस तरीके की? और गति सीमा पर नियंत्रण किया जाना, ये क्या जरूरी नहीं है वहां पे? बिल्कुल, इस तरीके से आप यमुना एक्सप्रेस की बात करें या नकलू एक्सप्रेस की बात करें तो इस तरीके से वहां पर लगातार जो कार की जो रफ्तार है वो साफ तौर पर बहुत तेजी से निकलती नजर आती है। पुलिस प्रशासन इस चीज को नाकाम करते नजर आती है, पुलिस प्रशासन कोई भी इस पर इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो आए दिन लगातार लोगों की मौत हो रही है, लोग बेधड़क मड़कर मर रहे हैं और एक्सीडेंट आए दिन लगातार हो रहे हैं। तो प्रशासन की जो नजरें हैं वो आए दिन बंद होती नजर आ रही हैं। प्रशासन इस तरीके कोई भी इस पे एक्शन नहीं लेता है। तो बात करें नकलू एक्सप्रेस की, तो इस तरीके की जो हालत है वहां पे भी तो बता आप मुझे और बस को लेकर कोई जानकारी देंगे कि ये यात्रियों से भरी हुई बस कहां जा रही थी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं यात्री से जो बस जो भरी है वो नोएडा से करीब आ रही थी। इस तरीके से जो हादसा होने के बाद वहां पर कई दर्जनों के हिसाब से लोग मौत, एक तो ये बस नोएडा से कहां जा रही थी राजा? उसके बाद देखा जाए तो लोग जो है ना वो दर्जनों के हिसाब से नोएडा से कहां जा रही थी? जी बिल्कुल, नोएडा से इस तरीके से बस है आगरा की ओर आ रही थी, क्योंकि आप काफी लोग जो वहां पे थे वो बहुत दर्जनों के हिसाब से
टूर पे आ रहे थे, तो इस तरीके से जो हादसा जो है हुआ है, उसके बाद दर्जनों के हिसाब से लोग घायल भी हुए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती भी कराए गए हैं। तो इस टाइम जो लोग हैं वो मौके पर मौत, एक लोगों तो की आपको मौके ये पर नहीं मौत भी लगता हुई कि है। कहीं ना कहीं प्रशासन को अब कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि इतने हाथ से आप रोज अपडेट भेजते हैं और एक्सप्रेस न्यूज भारत रोज इन अपडेट को दिखाता है कि किस तरीके से सड़क हादसे हो रहे, और ये तो बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। और राहत की बात तो ये रही है कि जो इस आपने बताया है कि इसमें एक शख्स की मौत हुई, हालांकि वो भी बेहद गंभीर है कि एक शख्स की मौत किस वजह से हो गई जब उसका कोई कसूर नहीं है, और किस वजह से ये सड़क हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब आगे ख्याल रखना चाहिए देखो, प्रशासन को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से आपको बता दूं, प्रशासन जो है पूरी तरीके नहीं, से नाकामयाब रहता राजा, है। आगे प्रशासन आगे की जो आगे प्रशासन को गाइडलाइन है ख्याल वो इस रखना तरीके से चाहिए नाकामयाब आगे इस रहती है। हादसे के बाद के प्रशासन को अब कार्यवाही करने की जरूरत है कि सड़क हादसों में कमी आए। जी बिल्कुल इस तरीके से प्रशासन जो है कर रही है, और पुलिस प्रशासन भी जानकारी ले रही है पूरी तरीके से, किस तरीके से जो हादसा हुआ कैसे हुआ वो उस पर भी कार्रवाई करेगी, और लगातार इस चीज को छान रही है। पुलिस मौके पर वहां पर मौजूद है और चीज को देख भी रही है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो भी इस तरीके से पूरा मुस्तैद है, और वहां पर जो देखा जा रहा है कोई व्यक्ति को, कोई काफी लोग गंभीर जो घायल है उनकी भी आगे जाके जो उनको इलाज होगा पता चलेगा, उनकी उनमें से ही कोई ना कोई मौत की घाट भी जा सकता है। बिल्कुल इस तरीके जो प्रशासन है वो प्रशासन जो अपनी जो गाइडलाइन देता है इस तरीके से बताता है, वहाँ पर इंतजाम जो की गए इंतजाम भी नहीं है इस तरीके से, काफी जो काफी स्पीड से गति से गिरती है गाड़ी, तब जो वहाँ के जो लोग हैं वो देख के हैरान नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है कोई भी इंतजाम नजर नहीं कर रही है, बेधड़क एक्सीडेंट होते हैं, बेधड़क मौत के घाट उतर रहे हैं। न्यूज एक्सप्रेस भारत इस चीज को दिखाता है, उसके बाद भी प्रशासन अपनी बेसार जी राजा, शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए राजा। तो आपको यहाँ मैं और जानकारी दे दूं कि ये जो सड़क हादसा हुआ है ये यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बताया गया कि बस पलटने से यह हादसा हुआ है, इसमें एक शख्स की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे। धन्यवाद।